The basically question is, what is the complete list of topics of core Java and topics of advanced Java? तो अगर हमें कोर जावा और एडवांस जावा को कवर करना है तो बेसिकली हम स्टार्ट जो है वो कहाँ से करेंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स क्या हैं जावा के अंदर. उसके बाद हम स्ट्रिंग के बारे में देखते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास क्या है. जैसे हमारे पास डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास आता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है. प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे इंट आ गया, फ्लोट आ गया, कैर आ गया, डबल आ गया, बुलियन आ गया, शॉर्ट आ गया, लॉन्ग आ गया. नॉन प्रिमिटिव के अंदर आपके पास जैसे स्ट्रिंग आ गया, एरे आ गया, एरे लिस्ट आ गया, लिंक लिस्ट आ गया, हैश मैप आ गया. मल्टीपल टॉपिक्स हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर भी है, ठीक है. उसके बाद आपको जैसे लूप्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास फॉर लूप क्या है, व्हाइल लूप क्या है, क्लियर. उसके बाद आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इफ क्या है, एल्स क्या है, एल्स इफ क्या है, स्विच स्टेटमेंट क्या है. उसके बाद जैसे कि अगर हम ऊप्स के बारे में बात करें, कोर जावा के ही ये सारे टॉपिक्स में आपको कवर करवा रहा हूँ कि जैसे आपको कोर जावा के अंदर पता होना चाहिए आपके पास कि आपके सॉरी ऊप्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए. आपके पास आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास, ठीक है. उसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन. आपके पास ऑब्जेक्ट पता हो गया, आपको क्लास का पता हो गया, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ठीक है जी. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सेप्शन इन जावा, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाट इज ट्राई, व्हाट इज कैच, व्हाट इज थ्रो, व्हाट इज थ्रोज, व्हाट इज फाइनल, व्हाट इज फाइनली, व्हाट इज फाइनलाइज, ये सारी चीजें आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर कवर होनी चाहिए. एंड उसके बाद अगर हम आगे और जाएं तो आपको कलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रीम APIs क्या होती हैं, जावा 8 के फीचर्स क्या होते हैं, सीरियलाइजेबल क्या होता है, क्लियर. तो उसके बाद अगर हम आगे एडवांस टॉपिक्स की अब बात करें तो आपको पता होना चाहिए एडवांस टॉपिक्स के अंदर कि स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग बूट क्या है, GSP क्या है, सर्वलेट क्या है, हाइबरनेट क्या है. जैसे स्प्रिंग बूट के अंदर मैं बोल दूं कि एनोटेशंस आपके पास क्या होते हैं, व्हाट आर एनोटेशंस इन स्प्रिंग बूट, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है. अगर आपके पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ @ रिक्वेस्ट मैपिंग, रिस्पॉन्स बॉडी क्या होता है, मेथड्स जैसे आपके पास होते हैं पुट, पोस्ट, गेट, अपडेट, डिलीट, जो भी आपके पास मेथड्स आते हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. तो बेसिकली ये आपका सारा का सारा फ्रॉम कोर टिल योर एडवांस इस तरह से आप कवर कर सकते हो. आप सिंपली एक वेरिएबल से लेकर टिल योर एडवांस दैट इज आपके प्रोजेक्ट तक. आप कैसे प्रोजेक्ट को जो है वो डिप्लॉय करते हो, कहाँ पे आप डिप्लॉय करते हो, सर्वर आप कौन से सर्वर का यूज करते हो, टॉमकैट का करते हो, जेटे का करते हो, किस चीज का सर्वर आप यूज करते हो, तो इस तरह से आप कोर जावा से लेकर एडवांस जावा तक अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके जा सकते हो. सो दैट इज द होल स्ट्रेटेजी कि आपका जैसे क्वेश्चन था कि हम पूरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर कोर जावा ये सारा चीज जो है इसमें कवर हो जाएगी. सो थैंक यू सो मच.